हाय फ्रेंड्स, जीकैश एडवेंचर्स में आपका स्वागत है। पिछले वीलॉग्स में आपने देखा कि हमने भीमताल में क्या क्या मजे किए और अब अपनी सवारी निकल चुकी है रानीखेत के लिए। तो पहाड़ों की एक बात अच्छी होती है, देखो ऑलमोस्ट सारे कैफेज या रेस्टोरेंट्स और काफ़ी सारे होम स्टेज भी पेट फ्रेंडली होते हैं। यहाँ पे तो इन्होंने लिखा भी है पेट फ्रेंडली। ये है लेट मी डाइन करके, बहुत अच्छी जगह दिख रही है, वाइब भी अच्छा है। और हम लोग जहाँ आए थे, ये आई हार्ट कैफ़े, ये भी पेट फ्रेंडली है। हमने चिकायश को हालांकि निकाला नहीं गाड़ी से, बिकॉज़ हमें फटाफट खा के निकलना था, तो हम लोग यहाँ अंदर ही बैठ के फटाफट खा लिए। कॉफ़ी पैक करवा ली है हमने और अभी चल रहे आगे। इनका आउटडोर सिटिंग वगैरह भी है, नीचे गार्डन एरिया है, काफ़ी अच्छा है। ये लोग अपनी कॉफ़ी खुद ब्रू करते हैं। टेस्टी खाना मिला हम लोग ने, सैंडविच और ऑमलेट खाया, बहुत टेस्टी था। और कॉफ़ी अभी पैक करवा ली है। ये लोग दोनों देखो बैठे थे यहाँ पे। जाने का ये मजा होता है कि आपको लोकल लाइफ देखने मिलती है। यहाँ पे तो देखो हम देख रहे हैं जैसे लोकल लोग क्या सब्जियाँ मिलती है, क्या खाना खा रहे हैं और कैसे। काफी सारी जगह पे हमने देखा कि लोग बाहर बैठे रहते हैं, कैरम खेलते हैं, वो अंगीठी जला के बैठे रहते हैं, धूप सेकते रहते हैं। लोकल पहनावा क्या है लोगों का, मार्केट एरिया कैसा होता है और क्या क्या लोकल चीज़ें मिलती है, ये सब देखने में इतना मज़ा आता है ना, बहुत अच्छा लगता है। आप इतना ज़्यादा सीखते हो रोड पे जाने से। और जैसे काफ़ी टाइम हमारे साथ ऐसा हुआ है कि गूगल मैप्स हमें कहीं और लेके गई है, तो हम लोकल लोगों से पूछते हैं तो वो हमें सही सही रास्ते बताते हैं, और जो रास्ते गूगल मैप्स में नहीं भी है वो रास्ते हमें पता चलते हैं। तो एक्सप्लोरिंग जो बोलते हैं ना, वो ट्रू एक्सप्लोरिंग होता है जब आप रोड से ट्रैवल करते हो। हमें तो भाई रोड ट्रिप में बहुत मज़ा आता है सच में। और पहाड़ों के लोग वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं, इतने मदद करते हैं और इतना अच्छे से बात करते हैं। हमेशा कुछ भी आपको प्रॉब्लम होता है तो हमेशा दे विल बी देयर टू हेल्प यू। और डॉग फ्रेंडली, पेट फ्रेंडली, तो पहाड़ों में सबसे ज़्यादा हमें ये एहसास हुआ है कि पेट्स को लेके लोग बहुत ज़्यादा एकोमोडेटिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा वेलकमिंग होते हैं। तो आज राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरा फेस्टिवल टाइप भी है यहाँ पे।
और देखते ही देखते हम भीड़ भाड़ से अलग रानीखेत की सुंदर नजारों की तरफ बढ़ने लगे। तो रानीखेत वैसे एक छोटा सा हिल स्टेशन है, वहाँ पे ऐसे बहुत सारी टूरिस्टी चीजें नहीं है करने को। एक रानी की झील है जो एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो कि एक आर्टिफिशियल लेक है जहाँ आप बोटिंग कर सकते हो। एक गार्डन एरिया है, एक गोल्फ कोर्स एरिया भी है जहाँ पे लोग काफी जाते हैं और फोटो वोटो खींचते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया यहाँ पे जो है वो है खूबसूरत नज़ारे और बहुत ही ब्यूटीफुल रोड्स। अगर आप सिर्फ ड्राइव के लिए निकल जाते हो रानीखेत में तो रोड्स बहुत अच्छे हैं, ड्राइव इतनी खूबसूरत है और पूरे पहाड़ों के व्यूज आपको आते हैं। तो यही चीज़ करने के लिए सिटी लाइफ से, हसल बसल से आपको दूर अगर जाना है तो रानीखेत एक बहुत ही सुंदर डेस्टिनेशन है। Your destination is on the left. जाइल नहीं करना। जाइल नमस्ते। यहाँ से जाएगी ना नीचे? यहाँ से नीचे गाड़ी चली जाती है, आराम आराम से जाइएगा। हाँ। है थोड़ा तो 4x4 होगी। हाँ। वैसे भी छोटी गाड़ी नहीं जाती। ठीक है ठीक है, आप इससे आएंगे? थोड़ा तो जो होम स्टे हमने बुक किया था वो थोड़ा सा नीचे की तरफ है। मेन रोड से आपको एक लेफ्ट टर्न लेके नीचे की तरफ जाना है। उनका स्टाफ बकायदा ऊपर रोड पे हमारे लिए खड़े थे, हम लोग को डायरेक्शन दिखाने के लिए। और जैसे रोड आपको दिख रही है इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 4x4 ही जाएगी ऐसा बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल गाड़ी भी जा सकती है। बस थोड़ा सा नैरो है और स्टीप है, इसीलिए आपको थोड़ा देख के और संभल के गाड़ी चलानी होगी। तो ये हम पहुंच गए अपने होमस्टे की तरफ। जैसे ही खोला एक बहुत ही खूबसूरत लिविंग रूम हमें इनवाइट कर रहा था। कितना बढ़िया इन्होंने सजाया है, देखो एक एक चीज, एक एक कोना इतने प्यार से सजाया है और एकदम ही ऐसे घर वाली फीलिंग आ गई हम लोग को यहाँ आके, कि जो जैसे हमारा ही पहाड़ों में एक घर होता है ना, उस तरह की फीलिंग आई। ये विंडो से व्यू तो देखो आपको कितना खूबसूरत मिल रहा है। यहाँ से स्नो माउंटेन्स भी दिखते हैं, लेकिन अभी बादल छाए हुए थे इसलिए हम लोग को नहीं दिखाई दिए, बट बहुत सुंदर शांत जगह थी। हम लोग को यहाँ पे आते ही बहुत एक अच्छी फीलिंग आई। तो ये हमारा रूम है, बहुत ही सुंदर रूम है, देखो सुंदर सुंदर दोनों लड़कियों। चीका के और आश के बैंडाना के साथ ये मैच कर रहा है। है ना? तो ये है, अपना सामान यहाँ पे रख दिया है और ये एकदम कंफर्टेबल बेड लग रहा है। और यहाँ पे वॉशरूम है, छोटा सा रूम है बट व्यू तो देखो यहाँ से गजब। आज देखो गेट के बाहर फंस गई है ना, अभी गेट खोलो इसके लिए। आ जाओ भैया, यहाँ से निकल जाती है वो बाहर और यहाँ से आ जाती है। इसका भी गेम चल रहा है, कार्टून लड़की। चला आज, चला अचूड़ी, चला क्योंकि विजेंद्र की तबीयत थोड़ी सी खराब थी, उसको सर्दी जुकाम हो गया था तो उसने आराम करने का सोचा और ऐश ने भी उसको कंपनी देने का सोचा। लेकिन चीका का तो मन नहीं भरा था, उसकी तो एनर्जी ड्रेन नहीं हो चुकी थी तो वो विंडो के बाहर ही देख रही थी, उसको बाहर जाना था। तो मैंने सोचा कि मैं उसको थोड़ा खिलवाती हूँ, तो मैं बॉल लेके गई और उसको खिलवाने लगी। और क्योंकि हमें आराम ही करना था, हम एक ही दिन यहाँ पे थे तो हम पूरा होमस्टे का और नज़ारों का और उस जगह का फील लेना चाह रहे थे। हम कोई ऐसे साइट सीइंग नहीं करना चाह रहे थे, रानी की झील या वहाँ हमें नहीं जाना। तो ये बिल्कुल हमने मौका नहीं गवाया क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का चीका और ऐश के साथ। ये चीका और ऐश को बिल्ली दिखाई दी तो उसको अभी भगाने में लगे हैं, देखो
गाड़ी के नीचे आ गई थी। चिटू कम, दूर नहीं, आज कम चिका, चला ये ढूंढ रही है नीचे कहाँ चली गई। चल आती है लोग कर, चल चिका, ये चिका आती है, चल गेली थी, चल आती है, चला लोग कर, गुड गर्ल गुड गर्ल। तो यहाँ से देखो पूरा हिमालयन व्यू दिखता है, अभी बादल आ गए तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, शायद ये महीना ही नहीं है। वो बता रहे थे, भैया बता रहे थे कि जैसे बारिश नहीं हुई है तो इसीलिए मौसम क्लियर नहीं है, स्नोफॉल भी इस बार हुआ नहीं तो इसीलिए कुछ दिख नहीं दे रहा है हम लोग को। ठंड वैसे है, मतलब ठंडी हवाएं चल रही है, एकदम ठंड वैसी वाली नहीं है जैसे, बट ऑब्वियसली आपको दो लेयर वाला जैकेट पहनना पड़ता है। तो ठंडी हवाएँ चल रही है मस्त। अभी हम शाम को बस चिल करेंगे, यहाँ पे बैठेंगे, चाय कॉफ़ी ऑर्डर करेंगे, थोड़ी देर में चाय कॉफ़ी पियेंगे और कुछ करेंगे नहीं। है कि नहीं, बस कुछ करना नहीं है, पहाड़ों वाला अपना घर एंजॉय करना है। और ये वैसे नेवी में है, जो इनके ओनर है वो नेवी में है, तो उनका घर है, बहुत सुंदर बनाया है। देखो मतलब एक एक चीज़ इतनी प्यारी बनाई है, प्यार से घर बनाया है, तो बहुत खूबसूरत है, हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। ये देखो हमारे दो जंगली जानवर, वाइल्ड में आके ये लोग जंगली हो जाते हैं। जंगली जैसे ही खेल रहे हैं पूरा। ये शाम को इन्होंने लाइट्स लगाए, कितना खूबसूरत लग रहा है देखो, अभी ये एकदम ड्रीमी लग रहा है, बहुत सुंदर, चांद भी आ गया है ऊपर, मस्त ठंड लग रही है। अभी दिखा रहा है 8 डिग्री और रात को हमने देखा दिखा रहा है -2। मस्त ठंड होने वाली है भाई, मज़ा आने वाला है। तो हमने अभी मस्त टाइम पास किया, वाईफाई है यहाँ पे, फुल स्पीड में वाईफाई आता है, अगर आपको काम करना है तो बिल्कुल यहाँ पे आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो। तो हमने थोड़ी देर कुछ यूट्यूब वगैरह देखा और मैंने अपना सब काम किया, GoPro से डेटा वगैरह सब निकाला, और अभी बज रहे 9, तो अपना खाने का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे जो रूम आप बुक करते हो उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूसिव रहता है, और खाना जो है आपको वो मेनू पहले ही भेज देता है। तो यहाँ पे मेनू है और आपको जो चाहिए आपको पहले थोड़ा बताना पड़ता है। तो ये सब कुछ है, जैसे थाली और चाइनीज़ वगैरह भी है, क्या क्या है सब कुछ है, सब्जियाँ, रोटी, ये भी है जैसे कबाब, पकोड़े, सैंडविच। तो आपको जो चाहिए आप मंगा सकते हो। हमने मंगाया है राजमा चावल। इनके पास एक लैब्राडोर था शायद, ये लैब्राडोर लग रहा है, ये देखो फोटो में था या है पता नहीं, है शायद ना उनका डॉग। यहाँ पे नहीं है प्रॉपर्टी में, बट वो जहाँ रहते हैं गुड़गांव में वहाँ है शायद उनके पास। खाया जा रहा है राजमा चावल, पहाड़ी राजमे की बात ही अलग होती है कुछ, है ना। गुड मॉर्निंग, ये देखो कितना प्यारा यहाँ से सनराइज हो रहा है, सनराइज दिखाई दिया। अभी बज रहे हैं 8 बज रहे हैं और हम जस्ट उठे हैं अभी, बस अभी थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं और फिर सूरज देवता के आनंद लेते हैं। यहाँ पे ठंड में बहुत मज़ा आता है, पूरा नाक लाल लाल हो गया है। ठंड में सन के मज़े कुछ अलग ही है कि नहीं। ये यहाँ पे घूम रही है देखो लड़की। तो ये हमारा
हमारा मस्त गर्मा गर्म नाश्ता आ गया है। तो हमने बोला था जैसे वो चॉइस देते हैं आपको, पहले दिन रात को ही उनको बताना पड़ता है। तो ये है पराठा, इसके साथ है ये आलू की सब्जी और एक गर्मा गर्म पराठा आ गया, और ब्रेड है, पिकल है, जैम है, बटर है और ऑमलेट आ गया। तो मस्त अभी भरपूर नाश्ता करते हैं पेट भर के और धूप सेकते हैं, और ये दोनों देखो इर्द गिर्द घूम रहे हैं बिकॉज इनको चाहिए ये सब। हमने मस्त अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लिया और अभी पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे स्नो माउंटेंस थोड़े थोड़े हल्के हल्के दिख रहे हैं। वहाँ जाके थोड़ा क्लोजर व्यू लेने की कोशिश करते हैं। एकदम हल्के दिख रहे हैं, मतलब हमें आँखों से हल्के दिख रहे हैं, कैमरा में शायद आएगा नहीं बट दिख रहे हैं। इस बार स्नो गिरा ही नहीं तो स्नो माउंटेंस कहाँ से होंगे वैसे। वहां जाके देखते हैं, थोड़ा क्लोजअप लेने की कोशिश करते हैं। ये देखो मेरी लड़की स्मोकिंग करने लगी। मुंह से धुआं निकल रहा है, ऑर्गेनिक स्मोकिंग बोलते हैं इसको, है ना चीटू? तू स्मोक कलर लगली हो, पहाड़ों में आके माँ दी लाडली बिगड़ गई, बिगड़ गई माँ दी लाडली। ये देखो कैसे निकल रहा है। तो चलिए अब इस जगह को बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं और ये जगह के सारे डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अगर आपको बुकिंग करनी है यहाँ पे। तो अगर आप उत्तराखंड आ रहे हैं तो हम ज़रूर रिकमेंड करते हैं कि आप एक दिन तो सही यहाँ पे ठहर के जाइए। आपको यहाँ पे सेफ पार्किंग मिलती है, गुरखा अपनी बहुत अच्छे से यहाँ पे सामने ही खड़ी थी। ये जो जगह है ये हमारी फेवरेट थी बिकॉज मैक्सिमम टाइम हमने यहाँ गुजारा, और पूरी एरिया जो फेंस्ड है देखो, तो चीका ऐश ने भी बहुत एंजॉय किया। ऑफ लीश एकदम आप छोड़ सकते हो डॉग्स को, कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए अब निकलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ जो कि है बिनसर में। अगला वीलॉग जरूर देखिएगा।